नहीं, ऐसे रियल बेस पे थोड़ा है, थोड़ा मतलब स्टंट कैसा लगा? स्टंट अबाउट स्टंट वाज कूल एंड आई लाइक दैट। एंड व्हाट अबाउट द एक्टर आदा शर्मा एंड व्हाट अबाउट ईशा गुप्ता? दे ओ ओके नाइस। फिल्म का सॉन्ग कैसा लगा? फिल्म का सॉन्ग अच्छा था। और स्टार कितना देना चाहिए 5 में से? 5 में से आउट ऑफ 4। आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी मुझे। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी। और व्हाट अबाउट द स्टंट रिलेटेड? बहुत अच्छा था। डायरेक्शन का कैसा लगा आपको? फिल्म की जो डायरेक्शन की गई, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था। तो ये कमांडो 1 और कमांडो 2 से कौन सी बेटर लगी आपको फिल्म? मुझे तो कमांडो 1 भी अच्छी लगी और 2 भी अच्छी लगी, और दोनों से बेटर 5 में से 5 देना चाहिए। और गाने कैसे लगे फिल्म? गाने तो अभी देख के आ रहे, बहुत अच्छे लगे, अभी भी उछल रहे। एक्चुअली थे ही नहीं मूवी में। एंड टू बी वेरी ट्रू, कमांडो 1 इज द बेस्ट मूवी जो मैंने पहले देखी थी विद सर के साथ। एंड इससे बहुत बेटर हो सकती थी। स्क्रीन प्ले प्लॉट बिल्कुल जीरो था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जा सकती थी, और रीज़न बहुत अच्छा था। द ब्लैक मनी ट्रेल यार काफ़ी पॉपुलर हो सकता था 8 नवंबर के बाद से, लेकिन देवेश भोजानी जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया कुछ अच्छा। स्टंट्स वगैरह आर ऑसम एज ऑलवेज, विद्युत ने बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर, लेकिन एक्टिंग वाइज वो भी मात खाएँ। आदा शर्मा हैज़ डन द बेस्ट, एंड आदा शर्मा की सबसे अच्छी एक्टिंग है पूरी मूवी में, इंक्लूडिंग द कैरेक्टर बेस्ड साउथ साउथ कैरेक्टर है उनका, और डायलॉग्स वगैरह भी। ईशा गुप्ता इज़ फाइन एंड अनूप सिंह ठाकुर इज़ ऑल्सो गुड, उनकी बहुत अच्छी फिजिक है। 5 पैसे का स्टार कितना देना चाहिए? या 2.5। विल यू रेकमेंड दिस फिल्म टू योर फ्रेंड पर टाइम? इफ दे आर विद्युत फैंस एंड फिटनेस फैंस दे शुड। आई एम अ विद्युत फ्रेंड एंड फैन, सो आई वॉच दिस मूवी फॉर यू। फिल्म में एक्शन अच्छा है, आदा खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और व्हाट अबाउट द कमांडो 1 और कमांडो 2? सुपर बेटर रही कमांडो 2 आई थिंक। कमांडो 2। और व्हाट अबाउट द ईशा गुप्ता आदा शर्मा की एक्टिंग? सुपर। नेगेटिव में बहुत बढ़िया किया ईशा गुप्ता ने। और स्टोरी की बात करें तो कैसा स्टोरी? सुपर, बहुत अच्छी स्टोरी है। ब्लैक मनी के बारे में दिखाया गया, अभी उसके बारे में सारी चीजें बताई गई। कमांडो 2 देखने के बाद इसको अपडेट करेंगे। उसमें एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं दिखाई गई थी, इसमें जो ब्लैक मनी का मुद्दा उसको उठाया गया था। सुपर। 5 में से कितना स्टार है? 4.5। दोनों फिल्मों का तो पहली वाली इससे 10 times बेटर थी, ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे। परफॉर्मेंस में इतना इम्पैक्ट आया नहीं, मतलब इनका प्लॉट इतना अच्छा था कि कैसे ब्लैक मनी ने इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, फार्मर्स हमारे कितने भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, तो इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं। स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन देवेन भोजानी ने उतना अच्छा डायरेक्शन किया नहीं, तो पहली वाली इससे ज़्यादा अच्छी थी। इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा अच्छा था, और एक्शन भी पहली वाली में ज़्यादा था। इसमें क्या है ना, चेस सीक्वेंसेस बहुत हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, तो एक्शन कहीं खोफ सा गया, तो इम्पैक्ट मिसिंग था इस मूवी में एज कम्पेयर टू द फर्स्ट पार्ट। तो इसलिए 5 में से 2.5 स्टार्स, इससे ज़्यादा तो मुश्किल है। एक अलग सवाल,